अस्पतालों में बच्चों का जन्म होने पर अस्पताल प्रबंधक द्वारा उनके परिजनों को जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे वे कई सरकारी व गैर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। पर हमारे देवघर जिला के अनुमंडल अस्पताल मधुपुर द्वारा मधुपुर प्रखंड स्थित सलैया गांव के 30 परिवारों को करीब 2 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें उनका प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया, जिसमें से 7 परिवार के लोगों व सहिया ने प्रमाण पत्र लेने के लिए अस्पताल परिसर का कई बार चक्कर काटी पर परिश्रम बेकार गए। बच्चा होले 1 साल 3 महीना हो, लेकिन ओकर प्रमाण पत्र नहीं मिले। लड़की पापा 3-4 बार गए, बोल के 1 हफ्ता में दो, अगला हफ्ता में दो, 1 महीना में दो, मगर मिल नहीं। वहाँ जब भी जाते हैं तो बोलता है यही चीज, फलने नहीं है तो ढकना नहीं है तो डॉक्टरे नहीं है, तो हम छुट्टी में चल जा रहे हैं तो कैसे देंगे, तो 8 रोज का बाद आना, तो 10 रोज का बाद आना, कई सब बात बोलता है, टालते टालते इतना दिन ले आया। इसका बाद हम लोग पकड़े सहिया को, जन्म प्रमाण पत्र लिए जाइए, तो बोले कि पेशेंट के भेज दी, पेशेंट के दे दो, पेशेंट के जब भेज दिए तो बोले है कि 2 दिनों के बाद आइए, 4 दिनों के बाद आइए, और अभी तक इस तरह करते करते 2 साल बीत गए, लेकिन अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिले। हम लाडली योजना में नाम भरवा, लेकिन नाम चढ़ नहीं रहा कागज के, जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता तो आज 4-5 महीना का लाडली योजना में हम बात किए। नमनी गवाह में लगभग 30 चेनी होते जकरा जन्म प्रमाण पत्र न मिलल है। मैंने सारे मामले को अपने लैपटॉप में कैद कर इस काम के लिए ग्रामीणों को सूचित कर रहे कर्मी को दिखाया। मामले को देखते उसने ग्रामीणों को देखना चाहे चाहते मैंने सारे थककर हारे हुए ग्रामीणों को उनके सामने अवगत कराया। अवगत होते ही वो हैरान हो गई और उसने तुरंत अस्पताल पहुंचे 5 परिवारों का प्रमाण पत्र वितरित कर दिया। साथ ही उस गाँव के बाकी सारे परिवारों का सूची सहिया द्वारा लेकर उसने निर्गत कर बांटना शुरू कर दिया। मुझे दिला के लिए से दिला दिल के 5 गोटा का जन्म प्रमाण पत्र, बाकी सबके तैयार कर, बाकी आदमी लोग जा रहे हैं वो सबके सबके मिल रहे हैं। हमने पहले बार जा लिए तो कागज न दे ले, और इस बार तो साथी के लिए तो हमने कार मिल रहा है। एक तो खुशी, हाँ खुशी, खुशी ये इसी रास्ते की हमारे गाँव के काम हो जा रहा है, आज तो गए बात, और भी खुशी हो रही है कि हमारे साथ में आप कोई है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों के लिए वरदान जैसा होता है, पर सरकारी दस्तावेजों के जाल में गरीब आम आदमी अपने आप को फंसा महसूस करता है। उस पर से सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण ये जाल और भी मजबूत हो जाता है, जिस कारण कई परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। पर समुदाय के बीच मेरी छोटी सी जागरूकता व सामूहिक पहल ने इस जाल को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर पाई, और मैं आशा करता हूं कि हमारे समुदाय के लोग आने वाले दिन में और भी इस तरह के जाल को तोड़ने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मैं मुकेश, झारखंड के देवघर जिला का इंडिया के लिए।